आइडिया आया हम लोगों के दिमाग में कि देखें कि यूपीएससी के लिए सभी लोग सिलेक्शन होने के बाद तो काफ़ी वीडियो डालते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के पहले भी कोई यूपीएससी के विद्यार्थियों की लाइफ कैसी होती है कैसी नहीं होती है उसको दिखाते हैं। और आज एक यूपीएससी के बंदा रात को 12 बजे के बाद क्या करता है, कैसे पढ़ता है, क्या नहीं करता है, तो अपन आज नवीन सिंह जी के रूम में चलते हैं और देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। और चलने के बाद पता ही चलेगा आपको कि रूम में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पूरी नॉर्मल उसके बारे में समझेंगे कि एक यूपीएससी का बंदा अपने जीवन के दौरान क्या करता है क्या नहीं करता है। हाय नवीन सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है। और मैंने सोचा कि आज आपसे मिलते हैं और ये जानते हैं कि यूपीएससी के कुछ अचीव भी किया, कुछ त्याग भी किया और काफ़ी स्ट्रगल किया, तो क्या बताना चाहेंगे कि आप 2019 के लिए और 2020 के लिए प्रीलिम्स में कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। एक सदी हुई स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है शायद कोई चैनल वाला दिखाता तो नहीं होगा, लेकिन अपन एक स्टूडेंट होने के नाते बिल्कुल स्पष्ट वादी तरीके से थोड़ा सा यानी नैतिक न्याय के साथ बच्चों के समक्ष आप अपने विचार प्रस्तुत करिए और जिससे सभी के पास ये मैसेज जाए कि यूपीएससी का स्टूडेंट क्या होता है। तो दोस्तों, मैं नवीन कुमार, जैसे सर ने बताया है, और मैं तैयारी करता हूँ सिविल सर्विसेज की और मैं 2 बार यूपीएससी में इंटरव्यू दे चुका हूँ। और देखिए, तैयारी की बात करें, खोने और पाने की बात की है, तो खोने और पाने की बात में अगर हम बात करें तो यहाँ पे खोया भी बहुत ज़्यादा है। और तो आपके पास बहुत कुछ पा लेते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं आप समाज में, कुछ गरीब वंचित लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिशें आप रखते हैं वो आप उन सभी को पूरा कर सकते हैं। खैर चलिए, ये तो सिलेक्शन की बात की दुनिया रही, अभी हम जानते हैं सिलेक्शन को कैसे पाया जाए। तो देखिए, तैयारी जब हम करें तो एक सदी हुई स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है, तो आपके चार पिलर अच्छे से मजबूत होने चाहिए, चाहे वो कोई भी। मान लीजिए जैसे कि फर्स्ट आपका ज्योग्राफी अच्छे से आपने तैयार किया हुआ है, एक हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया। ये चार ऐसा नहीं है क्योंकि ये चार ही पढ़ने हैं, इसके सिवाय किसी का कुछ भी जो सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी भी हो सकता है इसमें शामिल, तो जिसका हिस्ट्री वीक है तो इकोनॉमी को शामिल कर सकता है। तो चार मजबूत अगर पिलर आपके हैं तो आप इजीली इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, जो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है प्रीलिम्स का और बहुत बच्चों को फेल करता है, तो आप उसे पार कर सकते हैं। तो खैर, आगे हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हम क्या पढ़ें। तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम की किताब मॉडर्न के लिए बहुत अच्छी किताब है, आपने वो पढ़नी है। दूसरा, पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत, जैसे कि मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, इंडियन इट्स टेरिटी से उसका राज्य क्षेत्र में पढ़ रहा हूँ, तो आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़िए। और इकोनॉमी के लिए रामेश्वर सर मुखर्जी नगर के नोट्स हैं, उनके बहुत अच्छे नोट्स हैं, उनके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं और मरुणाल की वीडियो भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आई थिंक 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, अगर आप उसे अच्छे से बार बार पढ़ते हैं। और लास्ट, 10 ईयर्स के पेपर्स पर फोकस जरूर रखिएगा और उसको एक बार रिव्यू जरूर करिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये थी प्रीलिम्स के लिए। और साइंस का ज्यादा बैकग्राउंड होता नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए आपने मैगजीन लेनी है एक, चाहे वो विजन आईएएस की मैगजीन हो सकती है, चाहे वो क्रॉनिकल की हो सकती है, आपने मंथली एक मैगजीन पढ़नी है। तो 1 साल का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा अच्छा और नवीन जी, जैसे आप ये कहना चाहेंगे कि एक प्रीलिम्स लेके हुआ रहता है लोगों के बीच में कि प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, 3 महीने का भी समय है, तो 3 महीने में क्या प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है? क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल ही, मई ही बीच में है, फरवरी तो आ ही गई है तो निकल भी जाएगी, तो आप बता सकते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद प्रीलिम्स 3 महीने के अंदर कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, एक छोटी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें सदा हुआ कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए जो। जी जी, देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा है 3 महीने है, 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने में भी तैयारी की जा सकती है। मेरे मित्रों को कुछ बुरी भी लग सकती है कमेंट बॉक्स में, वो कुछ गलत भी लिख सकते हैं, तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, 1.5 से 2 महीने वास्तव में काफी भी होते हैं अगर आप सदी हुई स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। तो आपने पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, आपने फिर क्या होता है कि एक सिलेक्टिव वे में पढ़ना होता है। आप लास्ट 10 ईयर के, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अगर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप विश्लेषित करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और क्यों हमें वो तैयार करने। जब आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका जो
बैकग्राउंड है, कोई भी क्वेश्चन चीज उठी है, तो जैसे 10% आरक्षण की बात की गई है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होते हैं, संविधान में संशोधन कैसे होते हैं, तो उस चीजों को भी आपने नजर में रखना है। तो आपकी स्ट्रेटजी इसी तरह से होनी चाहिए, जिसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो वो अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे पूरा यकीन है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। देखिए दोस्तों, ये है एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम, और मुझे लगता है सिलेक्शन के बाद तो सारी वीडियो आते ही है, लेकिन ये सिलेक्शन के पहले की बातें हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ दिन में ट्रेनिंग में चले जाएंगे। और ये है नवीन सिंह जी, और नवीन सिंह जी से जैसा भी आपको लगा बात करके तो बताना कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।